फीमेल को बहुत ज़्यादा प्यार में अराउज्ड करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, आइए हम बताते हैं इस वीडियो में क्या करना चाहिए आपको कि आपका जो वाइफ है वो आपके तरफ पूरा अट्रैक्ट हो जाए। तो आइए, कैसे आप बिस्तर पर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक जो आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, अगर फोर प्ले करने के बाद भी आपका वाइफ आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर होना नहीं चाह रहे, या फिर इनको ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो दूसरा एक तरीका है जो मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, वीडियो देखते हुए हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, विनती है आपसे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरहाना चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सरहाना। दोस्तों, आज जो मैं टेक्निक बताने वाली हूँ, ऐसा कौन सी चीज़ है जो बताने वाली हूँ मैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है आपकी सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि फीमेल और मेल में कौन सा ऐसे प्राइवेट पार्ट में जो जेनिटल पार्ट है मेल का और फीमेल का है, आप सोचते हो कि फीमेल का वजाइना है, बट नहीं, फीमेल का बूब्स है जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, निप्पल्स है, ब्रेस्ट है, यह चीज़ है फीमेल का। तो फीमेल को अराउज करने के लिए आप इनकी ब्रेस्ट के साथ खेल सकते हैं, आप इनकी ब्रेस्ट को हाथ से अपनी उंगली से जादू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं टेक्निक बताती हूँ आपको, शॉर्ट वीडियो होगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप अपने वाइफ की जो ब्रेस्ट है उसको कैसे मसाज कर सकते हैं, कैसे टच कर सकते हैं, इसका टेक्निक है। दोस्तों, नंबर वन, आपको क्या करना है, आपका जो उंगली है, आप फिंगर से अपने वाइफ की जो ब्रेस्ट है इसको धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जब ऐसे सहलाएंगे इनको बहुत अच्छा लगेगा और अराउज्ड फील होगा उनको, वो जल्दी से एक्चुअली एक्टिव हो जाएंगे। नंबर टू, आपको क्या करना है, आपको दो हाथ है आपका, दोनों हाथ से ऐसे ही ऊपर से आपको आपकी जो वाइफ है आपका वाइफ की ब्रेस्ट को पकड़ के टाइट से रखना है। ये भी एक टेक्निक है जिसे आपका वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। नंबर थ्री, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपका जो हाथ है, हाथ से जब अपने वाइफ के ब्रेस्ट को पकड़ेंगे तो क्या होगा, पकड़ के आपको धीरे धीरे हिलाना है, वाइब्रेट कराना है, तो उनको अच्छा फील होता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को ये अच्छा नहीं लगता, तो आपकी वाइफ को जो पसंद आए आप वो करें। नंबर फोर, निप्पल्स जो होता है, जो एरियोला का पार्ट होता है ब्रेस्ट का, जो ब्लैक कलर का होता है, उसमें आप टच कर सकते हैं अपने फिंगर से, आप पिंच भी कर सकते हैं धीरे से, बट ज़ोर से नहीं करना है। नंबर फाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने वाइफ की जो ब्रेस्ट है उसमें मसाज कर सकते हैं। ये तो टच की बात था, कैसे करना है क्या नहीं, अब मैं मसाज की बात करूँगी। आप क्लॉकवाइज भी मसाज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मसाज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा चीज़ यूज़ करना है, इसके लिए दोस्तों आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्योर कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, और इससे अच्छा भी होगा, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका ब्रेस्ट भी अच्छा रहेगा, साइज़ भी बढ़ेगा, ये भी बता रही हूँ मैं। क्योंकि कोकोनट ऑयल से अगर आप करेंगे तो आपका डेली अगर आप करते हैं अपने वाइफ का, तो साइज़ भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, और आप ही मेरे फैमिली है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।